नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। पिता मुलायम सिंह यादव की वजह से साल 2012 में यूपी जैसे बड़े राज्य में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने वाले सपा मुखिया अखिलेश यादव की इसी राज्य में आज क्या हालत है, ये बताने की जरूरत नहीं है। 5 साल सत्ता में रहने के बावजूद अखिलेश यादव साल 2017 के विधानसभा चुनाव में खुद की कुर्सी तो बचा नहीं पाए, तो वहीं 2019 के आम चुनावों में धुर विरोधी बीएसपी सुप्रीमो मायावती का साथ लेना भारी पड़ गया। यानी एक बार नहीं, दो दो बार अपने ही गढ़ में बीजेपी से बुरी तरह से मात खाए सपाई मुखिया अखिलेश यादव अब चले हैं ममता बनर्जी को बंगाल जिताने। जिस टीएमसी का साथ देने से कांग्रेस ने भी इनकार कर दिया, उसका साथ देने के लिए अब अखिलेश यादव बंगाल जा रहे हैं। उन्होंने खुलकर ऐलान कर दिया है कि उनकी समाजवादी पार्टी बंगाल में बीजेपी को हराने के लिए ममता बनर्जी की टीएमसी का साथ देगी। सपा के 3 दिवसीय चिंतन शिविर और प्रशिक्षण समारोह के समापन पर श्रावस्ती पहुंचे पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, हम पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। बीजेपी नफरत फैलाकर बंगाल में विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। 2017 में भी बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में नफरत का प्रचार करके जीत हासिल की थी। बंगाल चुनाव से पहले अपने पत्ते खोलते हुए अखिलेश यादव ने साफ कर दिया कि वो बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का समर्थन करेंगे। यानी बंगाल में सपा अपने उम्मीदवार नहीं उतारेगी। सपा का ये फैसला बता रहा है कि पिता मुलायम समेत चाचा शिवपाल से लड़ झगड़कर पार्टी अध्यक्ष बनने वाले अखिलेश यादव के राज में सपा की क्या हालत हो गई है। एक तरफ शिवसेना और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM जैसी छोटी पार्टियां भी बंगाल चुनाव में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं, लेकिन यूपी जैसे बड़े राज्य में सरकार चला चुकी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बंगाल चुनाव में उतरने से ही कतरा रहे हैं। उनके इस फैसले से ऐसा लगता है कि वो अपनी पार्टी का विस्तार करने से बेहतर ममता की टीएमसी का पिछलग्गू बनकर ही रहना ज्यादा बेहतर समझते हैं। वैसे अखिलेश ने भले ही बंगाल में ममता का साथ देने का ऐलान किया हो, लेकिन ये बात बीजेपी भी अच्छी तरह से जानती होगी कि जब अखिलेश अपने गढ़ यूपी में बीजेपी को टक्कर नहीं दे पाए, उन्हें खुद कभी राहुल गांधी तो कभी मायावती का साथ लेना पड़ा, लेकिन फिर भी चुनाव हार गए, तो फिर बंगाल में ममता और अखिलेश के साथ आने से उसकी सियासत पर ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। जबरदस्त होगा मुकाबला। बंगाल में कांग्रेस और लेफ्ट का गठबंधन है। टीएमसी ने वाम मोर्चा और कांग्रेस से बीजेपी के खिलाफ लड़ाई में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का साथ देने की अपील की थी, लेकिन दोनों दलों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया, जो ये बताने के लिए काफी है कि ममता को अब कांग्रेस और लेफ्ट जैसी पार्टी भी भाव नहीं दे रही है, जो सालों से बंगाल की सत्ता से दूर है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी जोर शोर के साथ चुनावी तैयारियों में जुटी है। शाह से लेकर नड्डा तक पार्टी के तमाम बड़े नेता रैलियां निकालने से लेकर रथ यात्रा तक निकाल रहे हैं, जबकि शिवसेना और ओवैसी भी इस सियासी संग्राम में कूद गए हैं। ऐसे में इस बार बंगाल चुनाव में जबरदस्त लड़ाई होने के आसार दिख रहे हैं। अब देखना यह है कि होली के बाद होने वाले विधानसभा चुनावों में कौन बाजी मारता है।